यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको देते हैं। मुख्य सचिव के ने अब अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव, सचिव को नया निर्देश जारी हुआ है और ये नया निर्देश है, समय से दफ्तर नहीं पहुंचने वालों पर निगरानी रखी जाएगी, उनको मॉनिटर किया जाएगा। जो वक्त पर, समय पर दफ्तर नहीं आएगा उसकी निगरानी रखी जाएगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। सुबह 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में अब उपस्थिति हाजिरी चेक होगी। आपको बता दें कि सिस्टम किस तरह से काम करता है। एक बार सिस्टम का हिस्सा कोई बन जाता है और कर्मचारी अधिकारी, फिर वो अपने समय से दफ्तरों के लिए आते हैं और काम हो या ना हो फिर उसके बाद उस पर ज्यादा ध्यान होता भी नहीं। और ऐसे में अब मॉनिटरिंग होगी सभी कर्मचारियों अधिकारियों। लखनऊ से बड़ी खबर आपको देते हैं। मुख्य सचिव के ने अब अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव, सचिव को नया निर्देश जारी हुआ है और ये नया निर्देश है, समय से दफ्तर नहीं पहुंचने वालों पर निगरानी रखी जाएगी, उनको मॉनिटर किया जाएगा। जो वक्त पर, समय पर दफ्तर नहीं आएगा उसकी निगरानी रखी जाएगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। सुबह 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में अब उपस्थिति हाजिरी चेक होगी। आपको बता दें कि सिस्टम किस तरह से काम करता है। एक बार सिस्टम का हिस्सा कोई बन जाता है और कर्मचारी अधिकारी, फिर वो अपने समय से दफ्तरों के लिए आते हैं और काम हो या ना हो फिर उसके बाद उस पर ज्यादा ध्यान होता भी नहीं। और ऐसे में अब मॉनिटरिंग होगी सभी कर्मचारियों अधिकारियों। लखनऊ से बड़ी खबर आपको देते हैं। मुख्य सचिव के ने अब अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव, सचिव को नया निर्देश जारी हुआ है और ये नया निर्देश है, समय से दफ्तर नहीं पहुंचने वालों पर निगरानी रखी जाएगी, उनको मॉनिटर किया जाएगा। जो वक्त पर, समय पर दफ्तर नहीं आएगा उसकी निगरानी रखी जाएगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। सुबह 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में अब उपस्थिति हाजिरी चेक होगी। आपको बता दें कि सिस्टम किस तरह से काम करता है। एक बार सिस्टम का हिस्सा कोई बन जाता है और कर्मचारी अधिकारी, फिर वो अपने समय से दफ्तरों के लिए आते हैं और काम हो या ना हो फिर उसके बाद उस पर ज्यादा ध्यान होता भी नहीं। और ऐसे में अब मॉनिटरिंग होगी सभी कर्मचारियों अधिकारियों। लखनऊ से बड़ी खबर आपको देते हैं। मुख्य सचिव के ने अब अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव, सचिव को नया निर्देश जारी हुआ है और ये नया निर्देश है, समय से दफ्तर नहीं पहुंचने वालों पर निगरानी रखी जाएगी, उनको मॉनिटर किया जाएगा। जो वक्त पर, समय पर दफ्तर नहीं आएगा उसकी निगरानी रखी जाएगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। सुबह 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में अब उपस्थिति हाजिरी चेक होगी। आपको बता दें कि सिस्टम किस तरह से काम करता है। एक बार सिस्टम का हिस्सा कोई बन जाता है और कर्मचारी अधिकारी, फिर वो अपने समय से दफ्तरों के लिए आते हैं और काम हो या ना हो फिर उसके बाद उस पर ज्यादा ध्यान होता भी नहीं। और ऐसे में अब मॉनिटरिंग होगी सभी कर्मचारियों अधिकारियों।